नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोर क्रिएटिव पर स्वागत है। आई जाने आपके काम की तीन बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा, शिवसैनिक दावा कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, राज्यों को नसीहत दी है केंद्र सरकार ने कि समर्थन मूल्य पर बोनस दिया तो केंद्र सरकार नहीं खरीदेगा धान। तीसरी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश गेहूँ बोनस पर अटका पेंच, धान खरीदी से पहले नहीं होगी घोषणा। जानते हैं तीनों बड़ी खबरें आपके काम की हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। चलिए देखते हैं खबर पूरी विस्तार से। किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शिवसैनिक ही होगा, संजय राउत का बयान है। संजय राउत ने यह बयान दिया है मीडिया को, 10 नवंबर 2019 का अपडेट है। महाराष्ट्र में अभी लेटेस्ट में ही विधानसभा चुनाव हुए हैं, 105 सीट बीजेपी ने जीता है, लेकिन बीजेपी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी सरकार नहीं बना पा रही है। देखते हैं क्या होगा समीकरण। प्रदेश की राजधानी मुंबई से खबर है, महाराष्ट्र में सत्ता का महासंग्राम जारी है। राज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। इधर शिवसेना की तरफ से एक बार फिर संजय राउत ने बयान दिया है। संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री तो शिवसेना से ही होगा, फिर चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बहुत अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन विधायकों का समर्थन जुटाना होगा। उद्धव ठाकरे जी ने जो कह दिया है वह हम करके रहेंगे, संजय राउत का कहना है। शिवसेना की मीटिंग के बाद संजय राउत ने कहा कि जब एक बार उद्धव ठाकरे जी ने कह दिया है कि इस बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शिवसैनिक होगा तो फिर किसी भी कीमत पर ऐसा ही होगा। बता दें कि शिवसेना लगातार 2.5 साल मुख्यमंत्री की जीत पकड़े हुए है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने उनकी मांग ठुकरा दी है और इसी के साथ गठबंधन खतरे में है। भाजपा ने सरकार बनाने से इनकार किया क्योंकि भाजपा के पास बहुमत नहीं है। राज्यपाल ने सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। निवर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल से मिलने गए, लेकिन खबर आ रही है कि भाजपा ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया। इससे पहले शरद पवार ने बयान दिया था कि वह सरकार में शामिल होने के लिए तैयार है। शिवसेना की तरफ से बयान आया कि कांग्रेस से कोई उनकी दुश्मनी नहीं है, वे कांग्रेस तथा शिवसेना दोनों मिलकर के सरकार बना सकते हैं। अभी यहाँ पर गठबंधन बहुत जबरदस्त होगा, देखने वाली बात होगी। वहाँ इस प्रकार से पेंच हो सकता है। भाजपा के इनकार के बाद राज्यपाल ने रविवार को शिवसेना को सरकार बनाने का न्योता दिया था। आप सभी जानते हैं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने शनिवार को भाजपा से पूछा था सरकार बनाने की इच्छा है क्या। भाजपा ने कहा शिवसेना ने सरकार गठन में साथ न देकर जनादेश का अपमान किया है। अभी हमारे पास जनादेश नहीं है, समर्थन नहीं है, इसलिए हम सरकार नहीं बना सकते। कांग्रेस ने कहा कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन जारी रहेगा पर शिवसेना के साथ नहीं जाएंगे। ये कांग्रेस का बयान है। महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं, बहुमत के लिए 145 का आंकड़ा जरूरी है। जो भी पार्टी 145 का आंकड़ा पूरा कर लेगी वह सरकार बना लेगी। शिवसेना के पास 56, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पास 54 और कांग्रेस के पास 44 है। इस प्रकार से गठबंधन हो सकता है, शिवसेना प्लस कांग्रेस प्लस NCP तो गवर्नमेंट बना सकती है। NCP ने कहा है कि शिवसेना को NDA से पूर्ण तरीके से अपना हिसाब करना होगा, उसके बाद फिर हमसे बात करना होगा। शिवसेना को ये सारा चीज़ लिखित में ले, जैसे भाजपा से सेना ने लिखित में मांगा था। अब आगे की दुकानदारी हिसाब किताब से चलेगी। मामला अजीबोगरीब जैसा दिखता है और इससे प्रदेश की जनता को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, जबकि देश में महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है कि वहाँ सभी बुद्धिजीवी हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं वहाँ पर सीटों का आंकड़ा। भाजपा के पास 105 सीटें हैं, शिवसेना के पास 56, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पास 54, कांग्रेस के पास 44 हैं, बहुजन विकास अघाड़ी के पास 3 सीटें हैं, AIMIM के पास 2, निर्दलीय और अन्य दल 24 है। इस प्रकार से 288 सीटें हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भाजपा तथा शिवसेना दोनों मिलकर के सरकार बनाएं तो प्रदेश को कुछ लाभ तथा प्रदेश की जनता को कुछ लाभ मिल सकता है। अगली बड़ी खबर पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश में गेहूं के बोनस में अटका पेंच, धान खरीदी से पहले नहीं होगी घोषणा। 10 नवंबर 2019 को खबर आई है। प्रदेश की राजधानी भोपाल से खबर है। धान उत्पादक किसानों को कमलनाथ सरकार फिलहाल जय किसान समृद्धि योजना के तहत प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा नहीं करेगी।
केंद्र सरकार के सख्त रुख के चलते मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने खरीदी होने के बाद ही इस मामले में कोई कदम उठाने की रणनीति बनाई है। दरअसल केंद्र सरकार ने गेहूं पर प्रति क्विंटल 160 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की योजना लागू करने पर सेंट्रल पूल में 8 लाख मीट्रिक टन गेहूं लेने से इनकार कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने सख्त रुख की वजह से प्रदेश सरकार धान खरीदी से पहले किसी विवाद में नहीं फंसना चाहती। वैसे भी 8 लाख मीट्रिक टन गेहूं अभी भी उलझा है, उसका खामियाजा प्रदेश की जनता को गेहूं के बोनस पर मिल रहा है। यदि केंद्र सरकार इसे सेंट्रल पूल में लेने के लिए राजी नहीं होता है तो सरकार के 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक भार आ जाएगा। सरकार बड़ी राशि का बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है। उल्लेखनीय है कि मौजूदा वित्तीय स्थिति में सरकार इतनी बड़ी राशि का बोझ उठाने की स्थिति में नहीं है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ 2-3 बार स्वयं इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से बात कर चुके हैं। हालांकि अभी तक केंद्र के रुख में सकारात्मक संकेत नहीं मिले हैं। उधर धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए किसानों के पंजीयन का काम चल रहा है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में करीब 20 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होती है और इसके लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों मिलकर खरीदी करती है, तब जाकर के किसानों को इसका पैसा मिलता है। वहीं पर तीसरी बड़ी खबर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को चेतावनी, समर्थन मूल्य पर बोनस दिया तो केंद्र नहीं खरीदेगा धान। यह सभी राज्यों के लिए होगा। प्रदेश की राजधानी भोपाल से खबर है, धान उत्पादन में आगे रहने वाले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को केंद्र सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने धान के समर्थन मूल्य पर अलग से बोनस देने का प्रावधान किया तो वह उनसे धान की खरीदी नहीं करेगी। प्रदेश सरकारें किसानों को लुभाने के लिए अलग से बोनस देने की बात करती है। अगर वह बोनस देने की बात करती है तो प्रदेश की सरकारों को अपने ही खजाने से बोनस देना होगा। केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि राज्यों के बोनस देने से स्थानीय बाजार बिगड़ता है और ऐसी स्थिति में सरकार पर खरीद का दबाव बढ़ता है। केंद्र के पास धान का बम्पर स्टॉक है, इसलिए वह धान नहीं खरीदेगा। मध्य प्रदेश में फिलहाल धान खरीदी को लेकर पंजीयन हो रहा है। गौरतलब है कि गेहूं और धान की खरीदी पर केंद्र द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य अपनी तरफ से बोनस प्रोत्साहन राशि का ऐलान करते हैं। यह राजनीतिक मुद्दा भी बनता है। मध्य प्रदेश में गेहूं पर 160 रुपये प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि पिछले साल देने का ऐलान किया गया था राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया और इसका पूरा ढिंढोरा केंद्र सरकार पर पीटा जा रहा है। भंडारण और उपयोग की समस्या है। विभिन्न राज्यों को भेजे पत्र में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि मौजूदा समय में केंद्रीय पूल में पहले से ही स्टॉक से काफ़ी अधिक चावल उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने 2019-20 के लिए धान का समर्थन मूल्य 1815 कामन और ग्रेड ए का 1835 रुपये तय किया है और इसी रेट पे धान खरीदा जाएगा। धान उत्पादन वाले राज्यों को पासवान ने कहा कि इस साल धान की काफ़ी अच्छी खरीद होने की उम्मीद है। पासवान ने कहा कि अनुमानित खरीद के कारण चावल का भंडारण और उसके परिसमापन में गंभीर समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। विश्व व्यापार संगठन के कृषि समझौते के मुताबिक इस सार्वजनिक भंडार से निर्यात भी नहीं किया जा सकता। इसका मतलब हुआ कि देश में चावल का बहुत भंडार है। अभी खबर आई थी कि चावल के लिए विदेशों से बात चल रही थी कि जो गरीब देश हैं वहाँ पर चावल दे दिया जाएगा फ्री में, इतना स्टॉक भरा है देश में। इसलिए केंद्र सरकार केवल समर्थन मूल्य पर ही धान खरीदना चाहती है, न कि बोनस पर। यदि राज्य सरकारें बोनस देना चाहती हैं तो उनको अपने खजाने से देना होगा। खरीदार विचलित होते हैं। पासवान ने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा बोनस की घोषणा करने से बाजार विकृत होता है और बाजार में मौजूद अतिरिक्त अनाज का मूल्य बढ़ता है। ऊंचे मूल्य की वजह से प्राइवेट खरीदार विचलित होते हैं। सरकारी एजेंसियों को भी अतिरिक्त खरीदी करनी पड़ती है। केंद्रीय मंत्री ने अपने पत्र में स्मरण भी कराया है कि राज्य सरकारों को बोनस की घोषणा करने से रोकने के लिए MOU में यह प्रावधान भी जोड़ा गया है कि ऐसे हालात में केंद्र सरकार चावल नहीं खरीदेगा। यदि राज्य सरकारें बोनस का ऐलान करती है तो उस दौरान केंद्र सरकार धान नहीं खरीदेगा, यह केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। जिन राज्यों ने बोनस की घोषणाएं के लिए केंद्र सरकार से छूट दिए जाने का आग्रह किया था, पासवान ने इससे साफ इनकार कर दिया। तो इस प्रकार से 3 बड़ी खबरें थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।